हेलो दोस्तों, मैं एमडी आपके थ्री एंजल चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए एक फिकर कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ, जो यह संदेश देता है कि आप लोग के जीवन में क्या होने वाला है। ये हमारी तरफ से ईश्वरी संदेश है कि आप लोग के जीवन में क्या अच्छा होने वाला है। दोस्तों, मैं आप लोग के लिए कार्ड सफल कर रही हूँ, देखते हैं ईश्वर आपको क्या संदेश देना चाहते हैं। दोस्तों, मैं आप लोग के लिए इधर तीन डेक लाई हूँ, आपको जो अच्छा लगता है उसमें से कोई भी आप एक चुन सकते हो। आसमानी रंग का नेल पॉलिश चुना है, उसके लिए मैं रीडिंग शुरू करती हूँ। इसमें आया है पेज ऑफ सॉर्ड्स, द वर्ल्ड, एट ऑफ कप्स। इसमें एट ऑफ कप्स ये बताता है कि इस समय आपके जीवन में थोड़ी परेशानी चल रही है, थोड़ा आप मन से उदास हो, निराश हो ना, इसके लिए आपको थोड़ा सा अंदर से मजबूत होना पड़ेगा। आप भावनाओं में नहीं बहो, आप भावनाओं में बह के एकदम अकेले पड़ गए हो, आप भावनाओं में ना पड़ो। पेज ऑफ सोर्स ये ईश्वर की तरफ से आपको ये संदेश है कि आप हिम्मती बनो, आप किसी भी कार्य में आगे जा सकते हो, कर सकते हो। इसके लिए अपने अंदर कार्य करने की क्षमता लाओ और आगे बढ़ो, कितने भी संघर्ष आए उसमें आप आगे बढ़ो। अब कार्यों में जब आप आगे बढ़ोगे, संघर्ष से आगे जाओगे, तो आप पूरी दुनिया को जीतोगे, आप एकदम आगे जाओगे हर काम में। ईश्वर का आपका यही संदेश है कि आप मेहनत करो, लगन से काम करो, आप पूरे वर्ल्ड में अपना नाम करोगे, और जो आपके पीछे जो भी कठिनाइयां हैं, जो भी तकलीफें हैं, वो सब दूर होने वाली हैं। मैंने अपने तरफ से भी कुछ कार्ड बनाए, देखते हैं ईश्वर क्या आपको संदेश देना चाहते हैं। इसमें यात्रा पर आप कहीं जा सकते हैं, यात्रा आपकी सुखद मंगल और लाभकारी भी हो सकती है। या तो आप क्या कोई कुल देवी हैं, उन कुल देवी का पूजन करेंगे तो आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा। एक और साथ ईश्वर का यह भी संदेश है कि प्रतिदिन आप सूर्य को अर्घ दें, सूर्य का पूजन करें, जिससे आप जो भी कठिनाइयां आ रही हैं, परेशानियां आ रही हैं, वो दूर हो जाएंगी। आपको कोई भी भय या कुछ तकलीफ आपको सताएगा नहीं, आपकी हर मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। शीघ्र ही आपको कोई प्रसन्नता का समाचार मिलने वाला है, या आपकी कोई मनोकामना जो होगी, आपके अंदर जो इच्छा होगी वो अवश्य पूरी होगी। प्रतिदिन ईश्वर की पूजा करें। जिन्होंने ये नेल पेंट चुना है, उसके लिए रीडिंग फाइव ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स। इसमें ये बता रहा है कि आपके पास ईश्वर की तरफ से आपको संदेश है कि आपके पास उद्देश्य तो बहुत है, काम तो बहुत है, आपके पास उद्देश्य बहुत ज्यादा है, लेकिन आप काम सिर्फ एक पे ध्यान दे रहे हैं। अपॉर्चुनिटी आपके आगे पीछे है, लेकिन सिर्फ एक ही चीज पे ध्यान दे रहे हैं, चाहे वो करियर का हो, चाहे वो रिश्तों का हो, सिर्फ आप भावनाओं में या एग्रेशन में जा रहे हैं। ऐसा ना करिए, आराम से रहिए और अपने उद्देश्य पे ध्यान दीजिए। अपने जो इम्पोर्टेंट काम है उसको पहले करिए। आपके चारों तरफ अच्छाइयां हैं, लेकिन आप ध्यान नहीं दे पा रहे हैं उसको। आप अंतरात्मा से पहले जानिए, देखिए, उसके बाद कोई काम शुरू करिए। दूसरा कार्ड है नाइट ऑफ सॉर्ड्स। आप फाइटर हो, आप लड़ने वाले हो, आप में संघर्ष करने की शक्ति है। कोई भी आप अगर आपके सामने उद्देश्य आता है तो आप उसको भली भांति कर पाओगे। यही ईश्वर का संदेश है कि आप अच्छे से आगे बढ़ सकते हो, आप में वो करेज है, हिम्मत है, आप आगे बढ़ने वालों में से हो। अगर आप आगे बढ़ोगे तो आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां आएंगी, आपको आपके पास धन दौलत सुख समृद्धि सब आएगी। लेकिन आपको ये है कि अपने भावनाओं पे कंट्रोल करके आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। तीसरा कार्ड है, ये मेरे तरफ से बनाए गए कार्ड है, आपको आने वाले समय में धन लाभ हो सकता है, मान सम्मान भी मिलेगा। देखिए, मैंने बोला ना इसमें कि परिश्रम करना पड़ेगा, तो आपको थोड़ा परिश्रम करेंगे तभी सफलता मिलेगी। आप जो कार्य कर रहे हैं वही करें, पुराने कार्यों
पुराने कार्यों या पुराने चीजों को थोड़ा महत्व दें, जो कार्य करते हैं वो करते रहें। पुराने मित्रों से मुलाकात होगी और वो आपके लिए अधिक फायदेमंद रहेगी। आप पीपल में थोड़ा सा जल चढ़ाएं, जिससे आपको जो भी प्रॉब्लम आ रही है, जो भी तकलीफ हो रही है, वो दूर हो जाएगी। आपको आने वाले समय में धन दौलत की प्राप्ति होने वाली। मैंने जैसे इस कार्ड में बताया कि आपको सुख समृद्धि मिलने वाली है, देखिए वो ईश्वर की तरफ से भी वो कार्ड आया, आपको धन की प्राप्ति होने वाली है, कुटुंब में वृद्धि हो सकती है, या तो कुछ शुभ समाचार मिले या तो और भी कुछ अच्छा हो घर में। संयम रखें, नियंत्रण रखें, सफलता अवश्य मिलेगी आपको। पर्पल नेल पेंट चुना है, देखते हैं उसकी रीडिंग में क्या है। डेथ, नाइट ऑफ रॉड्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स। आपके जीवन में आपने जीवन में पहले बहुत से दुख, बहुत तकलीफ देखे, आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। जैसे आदमी दिन होता है उसके बाद रात होती है, फिर दुख होता है उसके बाद सुख होता है, आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। जो आप कठिनाइयाँ झेल चुके हैं, अब आपके तरफ अच्छाइयाँ आएंगी और ये सूर्य आपको एकदम नई गति की तरफ, नए तेज की तरफ लेकर जाएगा। नाइट ऑफ रॉड्स ये बताता है कि आप में हिम्मत बहुत है, ताकत बहुत है, आप कोई भी काम अच्छे से कर सकते हैं। आप जो ऊपर, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आप जितने भी तकलीफ जो आए हैं आप एकदम हिम्मत से और अपने अंतरात्मा से उसको सहा है, आगे ईश्वर सबसे अच्छा करेंगे, चिंता करने की कोई बात नहीं है। आप जब ये संघर्ष आप इतना झेल चुके हैं तो आपके जीवन में सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ आएंगी, खुशियाँ। नाइन ऑफ पेंटिकल्स आप में साहस आएगा, आपके पास धन दौलत सुख शांति और अंदर से करेज आएगा और अंदर से हर कार्य को करने की शक्ति भी आएगी, चाहे वो रिश्तों का मामला हो, चाहे वो धन का मामला हो, आपको सुख समृद्धि मिलने वाली है। इस कार्ड में देखते हैं क्या लिखा हुआ है आपके उसमें। आपका, मैंने बोला ना, आप बहुत पहले से संघर्ष झेल चुके हैं, आपका अब अच्छा समय शुरू हो गया है, चिंताएं जो थी वो मिट जाएंगी, सुख संपत्ति प्राप्त होगा और जीवन में जितना आपका जीवन कष्टमय था अब सुखमय हो जाएगा। आपने आय का थोड़ा सा भाग मंदिर में दान दिया करें, जो आपका तकलीफ है, जो आपका परेशानी है वो दूर हो जाएगा। गरीबों की भी थोड़ा सा मदद करेंगे तो आपकी नसीब बदल जाएगी। इसलिए ये काम करिए कि आप अपने आय में से थोड़ा सा भाग, ज़्यादा नहीं, थोड़ा ही भाग दान दिया करिए और गरीबों को भी सहायता किया करिए। आप जो कार्य कर रहे हैं वो जारी रखें, आगे जाकर आपको इसी कार्य में लाभ प्राप्त होगा। मैंने बोला ना कि आप पहले बहुत संघर्षों से गुजरे हैं, उसके बाद आपके जीवन में खुशियाँ ही, ईश्वर चाहते हैं आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आएँ और खुशियाँ आएंगी। इसके लिए इसमें ईश्वर ही कार्ड है ये। आप जो कार्य कर रहे हो वो जारी रखें, आगे जाकर आपको इससे लाभ प्राप्त होगा और विष्णु जी की पूजा करें, आपको सफलता ही मिलेगी।